पहले टेस्ट में टीम इंडिया को मिली करारी हार। हैदराबाद में भारत का हुआ बंटाधार। इंग्लैंड ने पहले टेस्ट में भारत को हराया। इन चार खिलाड़ियों ने टीम इंडिया का बेड़ा गर्क कराया। भारत और इंग्लैंड के बीच हैदराबाद में खेले गए पहले टेस्ट मैच में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड की टीम ने इस मुकाबले में शानदार खेल दिखाते हुए वापसी की और टीम इंडिया को मात देते हुए 5 मैचों की इस टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। पहले इंग्लैंड के बल्लेबाज ओली पॉप ने 196 रनों की जबरदस्त पारी खेली और इसके बाद इंग्लैंड के गेंदबाजों ने अपना दमखम दिखाते हुए टीम इंडिया की दूसरी पारी को जल्दी से समेट दिया और हैदराबाद में खेले जा रहे इस टेस्ट मैच को अपने नाम कर लिया। टीम इंडिया की इस जीत में 4 खिलाड़ी रहे भारत की हार के कसूरवार। इन 4 खिलाड़ियों के बारे में आपको बताएंगे, एक एक कर सभी कसूरवारों के बारे में आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आप टीम इंडिया के पक्के वाले फैन हैं, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या टीम इंडिया इंग्लैंड की टीम से अभी टेस्ट सीरीज जीत पाएगी, क्योंकि पहला टेस्ट मैच टीम इंडिया हार गई है। क्या बाकी बचे हुए 4 टेस्ट मैच टीम इंडिया जीत पाएगी? क्या भारतीय टीम इंग्लैंड को ये टेस्ट सीरीज हरा पाएगी? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। तो चलिए, हम बात कर रहे थे उन 4 खिलाड़ियों की जिन्होंने किया टीम इंडिया का बंटाधार और भारत को मिली हैदराबाद टेस्ट मैच में करारी हार। इन कसूरवारों में सबसे बड़ा और सबसे पहला नाम रहा शुभमन गिल का। शुभमन गिल ने कराया बेड़ा गर्क। शुभमन गिल ने इस मुकाबले में पहली पारी में 23 रन बनाए तो दूसरी पारी में वो खाता तक नहीं खोल पाए। जबकि शुभमन गिल नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आते हैं, उन पर ये जिम्मेदारी थी कि वो टीम इंडिया को मुश्किलों से उबारें और टीम इंडिया को जीत की दहलीज तक पहुंचाएं। लेकिन पहली पारी में वो लेफ्ट आर्म स्पिनर के खिलाफ 23 रन बनाकर आउट हुए तो दूसरी पारी में शुभमन गिल खाता तक नहीं खोल पाए और टीम इंडिया को मुश्किलों में डालकर चलते बने। ये पहला मौका नहीं है जब टेस्ट क्रिकेट में शुभमन गिल फेल हुए हों और अब तो ये आवाजें उठने लगी हैं कि शुभमन गिल को टेस्ट टीम से बाहर कर देना चाहिए, उनकी जगह पर किसी और खिलाड़ी को नंबर 3 पर मौका देना चाहिए। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या शुभमन गिल को अगले टेस्ट मैच में मौका मिलना चाहिए? कॉमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। चलिए, ये तो बात हो गई एक खिलाड़ी की, अब बात कर लेते हैं दूसरे खिलाड़ी की। श्रेयस अय्यर ने टीम इंडिया को फंसाया। श्रेयस अय्यर मैदान पर तो ऐसे आते हैं जैसे सेंचुरी बनाकर दम लेंगे, एटीट्यूड ऐसे दिखाते हैं जैसे विरोधी टीम को नाको चने चबवा देंगे। लेकिन पहली पारी में श्रेयस अय्यर 35 रन बनाकर आउट हो गए तो दूसरी पारी में जब टीम इंडिया को जरूरत थी कि श्रेयस अय्यर बड़ी पारी खेलें, श्रेयस अय्यर टीम इंडिया को मुश्किलों से निकालें, वहां पर श्रेयस अय्यर 13 रन बनाकर चलते बने। पहली पारी में श्रेयस अय्यर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन छक्का लगाने की कोशिश में वो अपना विकेट गंवा बैठे। गेंद इनसे खेली नहीं जाती और छक्के लगाकर रन बनाएंगे। चलिए, ये तो बात हो गई 2 खिलाड़ियों की, अब बात कर लेते हैं तीसरे खिलाड़ी की। कप्तान रोहित भी हैं हार के कसूरवार। जी हाँ, कप्तान रोहित शर्मा भी इस हार के उतने ही गुनहगार हैं जितने कि ये बाकी के 3 खिलाड़ी, क्योंकि रोहित शर्मा पहली पारी में अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, वो 24 रन बनाकर खेल रहे थे लेकिन छक्का लगाने की कोशिश में रोहित शर्मा आउट हो गए। रोहित को बड़ी पारी नहीं खेलनी है, बस छक्के पर छक्के लगाने हैं। वहीं दूसरी पारी की बात करें तो दूसरी पारी में भी रोहित शर्मा अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन वो 39 रन बनाकर LBW आउट हो गए तो वहां पर वो टीम इंडिया को मझधार में छोड़कर चले गए। उसके बाद टीम इंडिया मुसीबत में फंसती चली गई। रोहित शर्मा ने टीम इंडिया का बल्लेबाजी में तो बंटाधार कराया ही, इसके अलावा उन्होंने कप्तानी में भी कई गलतियां की जिसका खामियाजा भारत को मैच गंवाकर चुकाना पड़ा। इंग्लैंड की टीम जब दबाव में थी तब रोहित शर्मा ने ऐसी फील्डिंग सेट की कि इंग्लैंड के बल्लेबाज एक एक दो दो रन आसानी से लेते रहें और स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाते रहें। इसी वजह से इंग्लैंड ने एक बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया और फिर टीम इंडिया के सामने रखी 231 रनों की चुनौती, जिसे टीम इंडिया पार नहीं कर पाई और टीम इंडिया को यह मैच हारना पड़ा। रोहित के अलावा एक और खिलाड़ी है जो हार का जिम्मेदार है और वो है KL राहुल। राहुल ने भी नहीं बचाई लाज। पहली पारी में 86 रन बनाने वाले KL राहुल भी इस हार के गुनहगार हैं। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि KL राहुल ने तो 86 रन बनाए थे। जी हाँ, जब वो 86 रन बनाकर खेल रहे थे तो वो भी छक्का लगाने की कोशिश में आउट हुए। अगर KL राहुल वहां पर एक एक दो दो रन लेते रहते तो वो अपना शतक भी पूरा कर लेते और टीम इंडिया को बड़ी लीड भी दिला देते। लेकिन KL राहुल को तो छक्का जमाना था, उन्हें तो बाउंड्री बटोरनी थी और वहीं पर उन्होंने गलती कर दी और आउट हो गए। दूसरी पारी में KL राहुल से उम्मीद थी कि वो एक बार फिर से बड़ी पारी खेलेंगे और भारतीय टीम को मुश्किलों से उबारेंगे लेकिन राहुल ऐसा नहीं कर पाए। दूसरी पारी में वो सिर्फ 22 रन बनाकर आउट हो गए। इसके अलावा फील्डिंग में भी उन्होंने ओली पॉप का कैच छोड़ा जिसका खामियाजा टीम इंडिया को भुगतना पड़ा। तो इस तरीके से ये 4 खिलाड़ी रहे भारत की हार के कसूरवार जिन्होंने किया टीम इंडिया का बंटाधार। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, टीम इंडिया इस टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला तो हार चुकी है, ऐसे में क्या आप टीम इंडिया इस सीरीज में वापसी कर पाएगी? क्या टीम इंडिया इस टेस्ट सीरीज को जीत पाएगी?
कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। साथ ही कमेंट करके ये भी बताएं कि क्या शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर को अगले टेस्ट मैच में खिलाना चाहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। इसके साथ ही साथ क्रिकेट की ताज़ातरीन खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।